नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज न्यूज में। मैं हूं अमृत सेन। आइए हम आपको बताते हैं, जैतावाड़ा में 2 दिवसीय सत्रांत वाकपीठ ब्लॉक स्तरीय चल रहा है, जिसमें ब्लॉक के प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापकों ने अधिकारियों से सवाल किए, जिसमें मुख्य शिक्षा अधिकारी मांगीलाल गोयल ने, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पूरन सिंह सोलंकी ने और OO2 सुनील कुमार शर्मा ने बड़े ही बेबाकी से सबके जवाब दिए। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। अभियान चलाया है, ये अप्रैल 18 से चल रहा है। ऐसा है, जो अभी प्रश्न किया ना सोनीला प्रिंस साहब ने, एक्चुअली जब प्राइमरी स्कूल मर्ज हो गई आपके स्कूल के अंदर, तो वो सारी बिल्डिंग सारा सामान वो आपका ही हो गया है। ठीक है सर, ठीक है सर, और कोई प्रश्न हो तो बोले। सर मेरे साथ एक विशेष परिस्थिति है, मेरे यहाँ लक्ष्मीपुरा मर्ज हुई है। लक्ष्मीपुरा मंडार पंचायत में आती है, मर्ज मेरे यहाँ हुई है, उसका भवन का जुरिडिक्शन क्या रहेगा? नहीं, आपके स्कूल में मर्ज हो गई। हाँ, मर्ज मेरे तो आपका हो गया, वो तो पूरा भवन आपका हो गया, पूरी जो है ना स्कूल की सामग्री वो सब आपका हो गया। आपको ही ध्यान रखना है और आपको ही उसके अनुसार कार्रवाई जो भी आपके द्वारा ही होगी। ठीक है। हाँ सर, मेरे विद्यालय के अंदर यूपीएस समय की कोई स्कूल की साइकिलें बड़े बिल्कुल नई, नकारा कह नहीं सकते, उसका क्या उपयोग होना है? पहले एनपीजीएल चला करता था, उस एनपीजीएल में 3-3 साइकिलें थी। बिल्कुल एनपीजीएल चलता था, डीपीईपीएल सर्व शिक्षा अभियान के तहत उस समय पर जो साइकिलें दी थी वो विद्यालय की साइकिल ही है, उसको रिपेयर करा करके उन बालिकाओं को एक बार काम में लेने के लिए दे दीजिए। उसका हाँ बिल्कुल, बालिका उपयोग करेगी लेकिन रहेगी विद्यालय के स्टॉक में, वो किसी बालिका को पर्सनली इशू नहीं होगी, वो एनपीजीएल की है। इसमें जब स्टॉक की बात आ गई तो इसमें जैसे मैंने भी एक विद्यालय का इंस्पेक्शन किया था, उसमें कोई भी सामान आता है स्टॉक में तो उसको हाथों हाथ डिस्पर्स दिखाइए। आप स्टॉक में एंट्री करके, जैसे अपने पास 4 अलमारी आ गई किसी भामाशाह ने दी, उसमें 4 अलमारियां आपने लिख दी कि 4 अलमारियां इसके द्वारा और इतनी तारीख को प्राप्त, वो उसके बाद अपन जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे इस शाखा में गई अलमारी या कुर्सी गई, तो वो पहले डिस्ट्रीब्यूट करके और उनके हस्ताक्षर करवा लीजिए, ताकि वो जो जिम्मेदारी है वो उसकी भी हो जाएगी साथ में। कल को चोरी या कोई भी गबन ऐसा हो जाता है बाई चांस और स्टॉक में वो वहीं तक रह गई, भाई कल अध्यक्ष ने कहा कि यहाँ तक प्राप्त हुई, प्राप्त होने के बाद तो आपके पास ही बोल रही है वो कागजों में। ठीक है, ये ऐसा देखा गया है अमूमन। वैसे हालांकि होना नहीं चाहिए ये कि जो भी सामान आया जिसको अपन दे रहे हैं उसको साइन कर, तेरे को हम यूपीएस दे रहे हैं ना, वो कहे मैं क्यों करूं, अरे क्यों नहीं कर, तो वापिस दे दे यूपीएस। फिर अपनाना पड़ता है ऐसा तरीका कि या तो साइन कर तो वापिस दे दे, जाना हो सीधी बात। ठीक, ये सामान निस्तारण संबंधी कोई बिंदु यदि आपकी जिज्ञासा में कोई बाकी हो तो सर पूछ लें। सामान निस्तारण अनुपयोगी सामान, वो कार्यक्रम शर्मा जी कब बना रहे हैं इनका? सेकेंडरी का अपने सूचना भेजी हुई है और वहाँ से उनके बाबू का फोन आया था कि हम जल्दी बना के आपको भेजेंगे। मेरा डिवीजन यही है कि एक बार उनको कह दे रहे, क्योंकि अभी बोर्ड के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो बोर्ड के एग्जाम शुरू होने से पहले पहले यदि ये कार्रवाई हो जावे तो ये क्या बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा रहता सर, उन्होंने सूचना ही भी गलत मांगी। और ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बोर्ड के एग्जाम शुरू हो जाएंगे, उसके बाद फिर लोकल एग्जाम भी शुरू हो जाएंगे सभी स्कूलों में, इसलिए जितना जल्दी हो गया शर्मा जी थोड़ी बातचीत करके वहाँ जिला स्तर पर और इसको फटाफट प्रोग्राम फिक्स कर दो इनको, ताकि 2-3 तारीख तक ये काम हो जावे। करीब करीब जितने भी स्कूलों की फाइल आई है उनका निस्तारण हो जावे। एलिमेंट्री की तो अपने पास कोई पेंडिंग नहीं रहेगी सर 5 मार्च तक। हाँ, तो सेकेंडरी का तो उन्होंने अपनी सूचना मांग ली, तो मैं यहाँ बना रहा था सेकेंडरी का बना रहा था प्रोग्राम तो मैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें भेजो, तो ठीक है भाई आप लोग हमें क्या। एक सर मेरा प्रश्न था, स्कूलों के में जो ये कंप्यूटर हैं जो पुराने हो चुके हैं उनकी नीलामी की क्या प्रोसेस है? उनकी नीलामी का प्रोसेस करेंगे, पहले तो उसकी देख लेंगे परचेजिंग कब हुई और उसमें अपने बार बार उसमें लिखी जाएगी, अभिलिखित करेगी क्रय कमेटी कि बार बार इसको रिपेयरिंग कराया जाता है और ये खराब हो जाता है, उसमें महत्वपूर्ण राज के रिकॉर्ड है। ठीक है, और इसकी जो हार्ड डिस्क है वो कभी भी क्रैश हो सकती है और इस हिसाब से इसको उपयोग में नहीं लिया जा सकता, पूरी कमेटी होगी वो कराएगी। और इसके अलावा जो यहाँ पर जो कंप्यूटर परचेजिंग के जो सेवा प्रदाता हैं जो उनसे उनको बुलाएंगे और वो भी एक लिखेंगे कि सर इसको हम इतने में खरीद कर सकते हैं, 2-3 अपने फर्मों को बुलाएंगे, उसके आधार पर अपन उसकी वैल्यू रख देंगे कि भाई इतने में हम नीलामी कर सकते हैं।
ताकि हम एक सर्वे कर लेंगे कंप्यूटर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है पर्टिकुलर, इसके लिए इसमें ये जरूर पहले करना पड़ेगा कि बार बार हमने कब कब रिपेयरिंग कराया। सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि ऐसा नहीं कि भाई कंप्यूटर 15 साल से चल रहा है और रिपेयरिंग कभी हुआ ही नहीं और उसको कहोगे नकारा घोषित करो, नहीं। उसके लिए पहले अपने को देखेंगे आप कब कब इसको रिपेयरिंग कराया, उस पर कितना अपने व्यय कर चुके हैं, इसके बाद ही अपन उसको नकारा घोषित करेंगे। सारी रिपेयरिंग भी लगाने पड़ेंगे सर। CALP का प्रोग्राम चलता था, कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम। उस काल के कंप्यूटर प्रत्येक PO के अंदर में जो मिडिल स्कूल है या जो मिडिल से सेकेंडरी बन गए वहाँ पर पढ़े हुए, एलिमेंट्री का निस्तारण करोगे तब सब कंप्यूटर आपके सामने आएंगे। और पूरे ब्लॉक में शायद 40 जगह पर ऐसे कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम के कंप्यूटर है जो बिल्कुल नकारा की स्थिति में, तो वो आपके सामने आएंगे। यदि वो निस्तारण हो जाते हैं उनको बुला के उनको दिखा देंगे एक बार, वो लिस्ट बना देंगे इसमें इतना खर्चा आएगा, इसमें इतना आएगा, ताकि अपने पास ऐसा हो जाए कि परचेजिंग से ज्यादा तो रिपेयरिंग में आ रहा है तो उसको नकारा घोषित करें को डिस्पोज। टाइम फ्रेम क्या है इसका? टाइम फ्रेम में इसमें एक लिस्ट है पूरी अपने पास, वो लिस्ट मैंने पढ़ के तो सुना है ठीक नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी लिस्ट है इसमें, ठीक है। तो उस लिस्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की है पूरी लिस्ट है, इसमें हिंदी में भी है और ये मैंने इसमें निकाल रखी है। इसमें जैसे अपने लोहे का पलंग है उसकी 15 साल है, इस टाइप से अपने हैं, ठीक है। हाँ ये इसमें एलेक्सर बी में इसकी सारी सूचनाएं है। इसके अलावा भी 10 साल पुराना कंप्यूटर है और बार बार अपने परचेजिंग में रिपेयरिंग में खराब आ रहा है तो कमेटी जो है ना वो उसको नकारा घोषित करके डिस्पोजल कर सकती है। लेकिन अपने को ठोस वो होना चाहिए कि भाई आपने इतने में खरीदा था और इतना हम इस पर रिपेयर कर चुके हैं और वर्तमान में भी कहीं राज की डाटा है वो क्रैश होने के पूरे चांस है, इस आधार पर डिस्पोजल कर दें। हाँ बस तो उनको नकारा बस यही है, 75 वो है MB की सर, वही है कमेटी में ले लेंगे इस बात को कि वर्तमान में जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो उन पे रन नहीं हो रहे हैं। मैं ये ना उनकी जो मेमोरी है उनकी जो चिप है हार्ड डिस्क